कैसे करेंगे हम ठीक है ना तो सबसे पहले लाइट को डिफाइन ही कर लेते हैं लाइट होता क्या है लाइट की डेफिनेशन क्या होगी तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी इट इज अट इज अलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है इट इज अलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच गिवस विच गिव सन्सेशन ऑफ सन्सेशन ऑफ साइट ठीक है वेव की जगह कई बार आपको एनर्जी भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप एनर्जी भी लिख सकते हो ठीक है सो इट इज अलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और और ऐसे भी कह सकते हैं है है? है किसी को आप देख पाओगे किसी अंधेरे कमरे में चले गए लाइट नहीं है तो आपको वहाँ पर विजिबल नहीं होंगे ऑब्जेक्ट्स तभी विजिबल होंगे जब वहां पर लाइट होगी ठीक है तो लाइट होती क्या है लाइट हमें क्या देती है एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो कि हमें क्या देती है सेंसेशन ऑफ साइट देती है ठीक है लाइट के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि लाइट लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ लाइट हमेशा क्या होती है एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है या हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो मोशन करती है कैसा करती है रेक्टीलिनियर मोशन ठीक है तो जो लाइट होती है लाइट का जो मोशन होगा वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ में ही होता है या हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो होती है स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एयर या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है उसकी वैल्यू होती है थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर अपॉन सेकंड कितना होता है थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर अपॉन सेकंड ठीक है तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है डिटेल का, काफी मेरे चैनल पे भी डली हुई है ठीक है मैं अभी थोड़ा शॉर्ट और आपके काम का जो एग्जाम में आपसे हो जाए उस तरीके से मैं ले रहा हूँ टॉपिक्स तो सबसे पहले लाइट आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है वेव होती है जो कि सेंसेशन ऑफ साइट हमको देती है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है इसलिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई चीज बीच में आ जाती है तो उसका क्या बन जाता है शेडो बन जाता है क्योंकि लाइट का जो पाथ है वो भी क्या होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है लाइट जो स्पीड की लाइट हो मैक्सिमम होती है वो स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम होती, हो, होती है कहाँ होती है एयर या वैक्यूम में और जो वैल्यू होती है मैं स्पीड ऑफ लाइट की एयर और वैक्यूम में वो क्या होती है थ्री इंटू टेन स्पॉर एट मीटर अपॉन सेकेंड होती है अब कुछ फिनोमिनाज होते हैं जो कि लाइट से रिलेटेड होते हैं ठीक है कुछ फिनोमिनाज होते हैं जो कि लाइट से रिलेटेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है इंटरफरेंस ऑफ लाइट होता है ठीक है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता है तो ये अलग अलग है जो कि होते हैं लाइट से लाइट से रिलेटेड है हमारे जो सिलेबस में है वो दो फिनोमिना है एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है तो हम इन्हीं फिनोमिनाज को अब आगे ले लेते हैं जो कि अपना टॉपिक है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी कर रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या स्टडी कर रहे हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो सबसे पहले देखेंगे भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो अब इसमें से जो टॉपिक्स हैं अगर हम टॉपिक्स की बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो आप देखो यहाँ देखो आप यहाँ में टॉपिक्स बताता हूँ आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे कि मैंने आपको बोला है कि लाइट से रिलेटेड फिनोमिना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है यानी फिनोमिना की डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए सेकंड थिंग जो है टर्म्स कौन कौन सी हैं टर्म्स रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिना होता है उससे रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी है यह आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थर्ड जो पॉइंट है तीसरा जो आप इसमें स्टडी करोगे वो है मिरर्स ठीक है मिरर्स क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए और मिरर्स में भी जो अपने सिलेबस में है वो कौन सा है स्पेरिकल मिरर कौन सा मिरर है स्पेरिकल मिरर ठीक है और स्पेरिकल मिरर में भी जो हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन से मिरर हैं एक है कॉनवेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर तो फिर हम फिर इसमें जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करोगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले अपन इससे रिलेटेड क्या है से फिर कॉन्वेक्स मिररर क्या, क्या है कॉनकेव मिरर क्या है फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसमें स्टडी करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड जो है टर्म्स कौन कौन सी है वो हमको आनी चाहिए तो टर्म्स रिलेटेड टू मिरर और फिफ्थ में अपन क्या करेंगे फॉर्मूला फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल फॉर्मूला और हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि डेरिवेशन जो है टेंथ क्लास में है नहीं है ना तो ओनली डायरेक्ट फार्मूला है और फिर उनके न्यूमेरिकल है तो ये सारे हमें जो है वन बाय वन कंप्लीट करने रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है तो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन और टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक अपन ले रहे हैं कौन सा टॉपिक ले रहे हैं डेफिनेशन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और दूसरा अपन ले रहे हैं इनसे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या ठीक है थीके? तो वह आप देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपन ले रहे हैं तो एक डायग्राम में बना रहा हूं ध्यान से देखना सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं अपन एक सरफेस लेते हैं ये आपने एक सरफेस ली ठीक है ये जो सरफेस होती है सरफेस का मैं नाम दे देता हूँ कुछ इस सरफेस का नाम दे देता हूँ मैं एक्स वाई क्या बोलते है? वही? जो यूज़ करते है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है मिरर होती है क्या होती है मिरर यूज किया जाता है तो एक्स वाई जो है हमारा क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस सरफे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अपन क्या करेंगे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेलेक्ट करेंगे ठीक है जैसे हमने यहां पर ले लिया ये ये पॉइंट लिया मैंने और इस पॉइंट को कर दिया ओ तो यहाँ पर ये जो ओ है ये ओ जो है इसको बोलते हैं पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ठीक है ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया ठीक है फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी नेक्स्ट टर्म आएगी आपके इस पर ये ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है है यहां से पास होता होता हुआ अपन एक बनाएंगे normal. ये normal बनाएंगे नॉर्मल 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 मतलब 90 डिग्री पे ये जो एक्स वाई जो आपकी सरफेस है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस उससे 90 डिग्री पे बनाते हैं इसको नॉर्मल क्या जा? इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल ठीक है क्या कहेंगे इसको नॉर्मल कहेंगे तो ये कर दिया अपन ने ओ एन तो अब अपने पास ओ एन आ गया ओ एन क्या है ओ एन इज अ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ठीक है नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसीडेंस ऑन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो येक्टिंग सर्फेस है इस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पर आपने क्या करा एक नॉर्मल ड्रो कर दिया तो ओ एन आपका क्या हो गया नॉर्मल हो गया आगे अपन क्या करेंगे आगे हम लेते हैं इस पर एक रे को इंसिडेंट कर देते हैं ये रे अपन ने इंसिडेंट करी ठीक है ये रे अपन ने इंसिडेंट करी इसको मैं ए ए कर देता हूँ तो ए जो है यहाँ पर एओ एओ को अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे इंसिडेंट लाइट रे ठीक है तो ये इंसिडेंट रे का मतलब वही है लाइट रे ही है ये तो एओ आपकी क्या हो गया इंसिडेंट रे समझ में आ रहा है ए ओ क्या हो गया इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल तो यहाँ पर एंगल आई जो है एंगल आई किस किस के बीच का एंगल है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे नॉर्मल बनाया है और incident light ray जो जो है है उनके बीच का जो एंगल होता है, उसको बोलते हैं incident angle. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट एंगल हमेशा ध्यान रखना इंसिडेंट एंगल किस किस के बीच का होता है इंसिडेंट एंगल होता है इट इज द एंगल बिटवीन आप चाहें तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इट इज द एंगल बिटवीन इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तो पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं नॉर्मल अपना कौन है ओ एन है ठीक है तो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है इसके बीच का जो angle है इसको अपन बोलते हैं बोलेंगे इसको अपन अपन अब ये 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 जो ray एक और ये दूसरी ये मैंने बनाई ठीक है इसको मैं कर देता हूँ बी ठीक है तो यहाँ पर जो अपना ओ बी बना है यहाँ पर क्या बना है ओ बी ओ बी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ठीक है ओ बी को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बोलते हैं उसको रिफ्लेक्टेड एंगल तो एंगल आर जो होगा उसको क्या बोलेंगे reflected, reflected एंगल. क्या बोला जाएगा इसको? Reflected एंगल. Reflected एंगल के, आप इसको बताओगे शो करोगे किस, किस के बीच का एंगल है तो हम क्या लिखेंगे भाई इट इज इट इज द एंगल बिटवीन इट इज द एंगल बिटवीन ठीक है इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ठीक है तो पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं मैं नॉर्मल क्या हो गया अपना यहां पर ओ एन हो गया ठीक है समझ में आया तो एक बार और आपको बताता हूँ फिर अपन फिर हम डिफाइन कर देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है तो सबसे पहले हमने इंटर एक एक्स एक्स वाई वाई ले ली XY, आपकी क्या होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी जनरली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या लेते है? mirror लेते हैं हैं अपन मिरर फिर उस पर आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है आपने पॉइंट ले लिया इसको अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कोई पूछे आपसे तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ये वो पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंट रे आके क्या होती है इंसिडेंट होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ओ एन क्या है नॉर्मल एट दॉइट Of incidence, ये जो बनाओगे आप normal. Normal किसके इस के जो है 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 इसके normal है. Normal मतलब है 90 degree का एंगल. तो आपका normal आ जाएगा आपकी आपकी हो हो जाएगी भी reflected ray हो जाएगी भी के साथ जो एंगल बनाता है इंसिडेंट एंगल कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं तो इस तरह से ये सारा आपको आना चाहिए यहां से हम डिफाइन करते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है वॉट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप ध्यान से सुनना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है जैसे कि कोई भी ये लाइट रे आई जब लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है देन इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम ठीक है देखो हम यहाँ पर आपको बताते हैं लिख के वैन वेन आन आर लाइट रे ठीक है वेन अ लाइट रे इंसिडेंट

सेम मीडियम जहां से आई है वही वापस चली जाती है सेम मीडियम और ये जो फिनोमिना होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलो समझ में आया नहीं आया ओके okay कर दो अगर समझ में आया हो तो ये जो स्क्रीन पे आपको जो कुछ दिख रहा है जो विजिबल हो रहा है आपको स्क्रीन पर ये समझ में आया सब कुछ आपको ये टर्म्स आनी चाहिए पूरी टर्म्स जो मैंने आपको बताई उन टर्म्स के बाद आप ये डिफाइन कर सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है

लाइट कहते हैं ठीक है अब ये बताओ समझ में आ गया तो एक बार ओके okay करो ठीक है तो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन कौन से लॉज होते हैं ये देखते हैं अपन ठीक है तो फर्स्ट जो लॉ है इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है देखो यहाँ पीछे देखो आप फर्स्ट लॉ क्या होता है इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे क्या है अपनी ए इंसिडेंट रे अपनी ए हो गई रिफ्लेक्टेड रे कौन हो गई ओ हो गई और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन हो गया ओ एन तो पहला जो लॉ है लो, जो इसका लो है है का पहला वो क्या बोलता है? कि ए ओ ओ ओ बी ओ एन ये जो है तीनों के तीनों वो कहां लाई करेंगे एक ही प्लेन में ठीक है तो पहला लॉ हमारे क्या कहता है कि भाई इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट रे हमारे पास एक बार मैं पीछे रेफर कर इंसिडेंट रे क्या है ठीक है तो इंसिडेंट रे हो गया हमारे पास एओ ठीक है इसके बाद reflected ray, reflected ray, reflected ray हमारे पास क्या ठीक है आप देख ले डायग्राम बहुत इजी है ये रहा ओबी ठीक है तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल नॉर्मल एट द

सेम प्लेन ठीक है सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये हो गया सेकेंड लॉ लगाते हैं अपन यानी सेकेंड लॉ क्या आता है? Second law होता है सेकेंड लॉ होता है साइन आई इज इकल टू साइन आर ठीक है ये इसका सेकेंड लॉ होता है साइन आई इज इकल टू साइन आर यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ठीक है ध्यान रखना ये ये दो लॉ होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के पहला लॉ क्या होता है पहला क्या हो जाएगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन सारे के सारे एक ही प्लेन में लाइ करते हैं और दूसरा लॉ क्या होता है साइन आई जो है वो साइन आर के बराबर होता है बात समझ में आ गई तो ये दो लॉज हैं अपने पास ठीक है दो लॉज हैं अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ देखना आप आंसर करने की कोशिश करना ठीक है जैसे कि मान लो कि ये एक हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कुछ रेज अपन इंसिडेंट करते हैं ये रे इंसिडेंट हुआ ऐसे और ये रे इंसिडेंट हुआ ठीक है अब ये दो रेज जो है ये अब क्या होंगे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल ये ये इसका फर्स्ट वाली रे के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया है ना ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया तो ये इतने ही एंगल पर इसको अपन को वापस भेजना है ये वापस भेज दो इतने ही एंगल पे ठीक है यहाँ पर भी आप नॉर्मल ड्रो करो तो ये जितना एंगल है उतने पे इसको रिफ्लेक्ट कर दो तो ये आपने रिफ्लेक्ट कर दिया ठीक है तो अभी हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये इंसिडेंट रे है ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई ऐसे ये इंसिडेंट रे है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई है ना तो आप नोटिस करो कि ये जो इंसिडेंट रे थी ये जो इंसिडेंट थी, थी एक दूसरे के और रिफ्लेक्शन के बाद ये अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल ही है समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या है आपस में पैरेलल ही है अभी क्या करता हूं मैं अभी इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ कि जो सरफेस है जो सरफेस हमने बनाई थी सरफेस कुछ देखो आप अभी हम क्या करते हैं सरफेस को कुछ इरेगुलर कर देते हैं इरेगुलर कर देते हैं फिर आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा दोनों से रिलेटेड ध्यान से देखना और आंसर करने की कोशिश करना अब की बार ये सरफेस तो ऐसी ही थी पर इस सरफेस को हम क्या कर रहे हैं इस सरफेस को थोड़ा सा इरेगुलर कर देते हैं ठीक है इरेगुलर का मतलब है इस सरफेस को ऐसा कुछ यूं कर दिया मैंने ये ऐसा कर दिया ठीक है अब यहाँ पर भी कुछ रेज है उनको इंसिडेंट करते हैं अपन ने जैसे ये एक रे ली इस रे को यहां इंसिडेंट करा मैंने इस जगह फिर एक और रे ली वो भी इसके पैरेलल ही है और उसको कर दिया इधर इंसिडेंट कर दिया दोनों रेज जो हैं वो क्या है पैरेलल है एक दूसरे के ठीक है ना अब इस केस में जब रिफ्लेक्शन होगा इस केस में जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये एक रे तो मान लो इधर चली गई ऐसे कहीं चली गई ठीक है और एक रे जो थी वो ऐसे कहीं इधर चली गई यूं चली गई ठीक यहां पर भी आप देखें तो ये नॉर्मल अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर भी ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इंसिडेंट रे हो गई ये दोनों तो इंसिडेंट रे हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई ठीक है तो आपके पास दो डायग्राम है आप दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो और इन डायग्राम्स को देख के आपको क्या लगता है देखो पहले वाला जो डायग्राम है पहले वाले डायग्राम में जो इंसिडेंट रेज थी वो पैरल थी एक दूसरे के जब इंसिडेंट हुई और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी पेरेल है एक दूसरे के हैं कि नहीं क्लियर दिख रहा होगा डायग्राम मैंने सही सही बनाया है तो इंसिडेंट हो रही थी जब भी पैरेलल थी और जब रिफ्लेक्ट हुई तब भी पैरेलल है तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं ठीक है अब बी वाला डायग्राम देखो बी वाले डायग्राम में जब ये इंसिडेंट हुए थे इंसिडेंट के टाइम तो ये दोनों एक दूसरे के पैरल थे पर रिफ्लेक्शन में जब हुआ इनका तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट जब हुए तो रिफ्लेक्ट हो गए दोनों क्या एक दूसरे के पैरल नहीं है तो इसको अपन बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ठीक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं तो ये तो हमने आपको बता दिया मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या इस केस में इस केस में इंसिडेंट एंगल देखो साइन आई इजिकल टू साइन आ है तो मैं कह सकता हूँ एंगल आई इजिकल टू क्या है एंगल आ है यानी अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्शन जहां भी हो रहा है वहां पर इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है तो हम क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे बताओ इन इन दोनों ही केस में एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा या फर्स्ट केस में एंगल आई एंगल आर बराबर है और दूसरे में नहीं है ये बताओ दोनों में ही इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन दोनों के लिए सर एंगल नहीं सर ये, वाले ना, में सेम एंगल चेंज हो जाएगा इस रे के लिए बात कर रहा हूँ मैं और इस रे के लिए इन दो देखना जहां मैंने एरो बनाया ध्यान से देखना मैं इस वाले एरो इस वाली रे और इस वाली रे के लिए बात कर रहा हूँ क्या इस केस में एंगल आई एंगल आर बराबर होगा और इस केस में भी एंगल आई एंगल आर बराबर होगा या नहीं होगा ये पूछ रहा हूँ मैं तो 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 होगा 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 ये ये बराबर बराबर ध्यान रखना कई बार आपसे पूछा जाता है एक, आ, मतलब और होता है एक मतलब और होता किसी भी तरीके का, का रिफ्लेक्शन हो हर एक रिफ्लेक्शन में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो फॉलो होता है ठीक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है फॉलो होता है एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो सबसे एक ही प्लेन में लाए करते हैं ठीक है तो अब आप अपन आ जाते हैं जहां मैंने तो अब आप अपन स्टडी कर रहे हैं मिरर तो सब मिरर हम ये तो जानते हैं कि भाई प्लेन मिरर होता है स्पेरिकल मिरर होता है फिर उसमें कॉनवेक्स मिरर होता है कॉन के है पर अपन से कभी अभी आपसे हम पूछ लेंगे मिरर की डेफिनेशन बताओ कि मिरर को कैसे डिफाइन करोगे ठीक है तो जनरली हम पढ़ी नहीं होती है बुक्स में शायद ही हो ये डेफिनेशन ठीक है तो बट हमें पता तो होनी चाहिए एटलीस्ट कोई कहे तो हम उसको डिफाइन तो कर सके मिरर को तो मिरर को कैसे डिफाइन करते हैं तो मिरर होता है, क्या है देखो आप इट इज अट इज अली It is a highly polished. It is a highly polished surface. it is a highly polished surface which which reflected which reflected maximum maximum part of. इंसिडेंट लाइट रे ऑन इट ठीक है मिरर होता क्या है मिरर एक हाईली पॉलिश सरफेस होती है ठीक है जो कि क्या करती है उस पर इंसिडेंट होने वाली मैक्सिमम लाइट को मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लाइट जो होती है उसको क्या कर देती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है ठीक है इसको अपन क्या बोलते हैं मिररर इसको क्या बोलेंगे अपन ऐसी सरफेस को मिरर बोलेंगे ठीक है उसके बाद अपन ने स्टडी करना है कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ मिरर तो टाइप्स ऑफ मिरर जब अपन स्टडी करते हैं तो ये डिपेंड करता है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किस पे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मिरर जो होगा टाइप्स ऑफ मिरर किस पे डिपेंड करेगा इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन इट्स 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 इट डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर डिपेंड करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है ठीक है जैसे टाइप्स ऑफ मिरर में आप स्टडी करने जाओगे तो पहला टाइप का जो मिरर आपको ध्यान आएगा पहले टाइप का जो मिरर है वो क्या है प्लेन मिरर क्या है प्लेन मिरर ठीक है तो प्लेन मिरर को कैसे डिफाइन करोगे प्लेन मिरर क्या होगा ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है प्लेन है ठीक है इट इज अरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है प्लेन है उसको अपन क्या बोलते हैं प्लेन मिरर कहते हैं प्लेन मिरर को अगर शो करना हो तो कैसे शो करेंगे देखो ऐसे शो करते हैं ये ऐसे बनाएंगे ये ये जो आप हेचिंग कराए ना पीछे की तरफ जहां पे आपने हैचिंग करा है तो ये जो सरफेस ये तो कैसी होती है सिल्वर्ड सिल्वर्ड होती है या फिर हम कर सकते हैं कवर्ड होती है ठीक है ये तो सिल्वर और ये जो आगे वाली सरफेस है ये वाली सरफेस है ये होती है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है ये जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या होती है हाईली पॉलिश होती है क्या होती है हाईली पॉलिस्ड ठीक है क्या होगी हाईली पॉलिस्ड होगी और इसमें अगर हम देखना आप ये क्या होगी हाईली पॉलिस्ड होगी या हाईली पॉलिस्ड हो गई तो इंसिडेंट लाइट रे अगर मैं बनाऊंगा इसके तो इस बन यहाँ बन तो ये साइड तो की जो सर्फेस है उस सरफेस को अपन उस सरफेस से अपन डिसाइड करते हैं कि जो आपका मिरर है वो कैसा है तो यहाँ देखेंगे आप ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जनरली मिरर को अपन एमएम डैश से बता देते हैं तो एमएम mm डैश कर दिया तो आप एमएम mm डैश जो है मिरर जो है आपका उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो क्या है प्लेन है तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस प्लेन है इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे प्लेन मिरर कहेंगे क्या कहेंगे इसको प्लेन मिरर कहेंगे ठीक है आई बात समझ में अब सेकेंड अपन ले लेते हैं सेकेंड टाइप का जो मिरर है सेकेंड टाइप का मिरर क्या होता है स्पेरिकल मिरर क्या होगा स्पेरिकल मिरर अब स्पेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन करोगे तो बहुत आसान है स्पेरिकल मिरर क्या होता है ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है कार्ड होती है कैसी होती है कार्ड होती है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई रिफ्लेक्टिंग 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 सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कार्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी बेटा कार्ड होगी ठीक है कर्व तो आप जानते ही कर्व में इस तरह से अब कर्व भी क्या है दो तरीके का कर्व हो सकता है एक तो कर्व ऐसा हो ठीक है देखो मैं इसकी ये हैचिंग कर दी मैंने तो ये जब आपने हैचिंग कर दी ठीक है तो ये साइड की जो सरफेस है ये क्या होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली जो सरफेस है वो क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो हाईली पॉलिश होती है उसको हाईली पॉलिश करते हैं ताकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट जो है उससे रिफ्लेक्ट हो जाए जो पीछे वाली सरफेस है उसको सिल्वर्ड कर देते हैं या कोटेड कर देते हैं उसको सिल्वर्ड या कोटेड इसलिए कर देते हैं क्योंकि लाइट जो है उससे पास नहीं हो जाए अगर लाइट पास हो गई तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा यानी कुछ एनर्जी का अपने को लॉस हो जाएगा लाइट जो आ रही है सन से जो लाइट आ रही है ना वो रेडियंट एनर्जी लेके आती है अगर रिफ्लेक्ट हो जाए ठीक है, है क्योंकि अपन 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 रिफ्लेक्शन ही रहे हैं हैं अगर पास हो 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 गई तो तो उस एनर्जी का क्या क्या जाएगा जाएगा को तो लॉस उससे बचने के लिए क्या करते है? जो पीछे वाली है उसको कोटेड या सिल्वर्ड कर देते हैं और आगे वाली जो सर्फेस है उसको क्या कर देते हैं हाईली पॉलिस्ड कर देते हैं ताकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट क्या हो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए तो ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है तो अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो है ये क्या है कार्ड क्या है ये कारउड इनवर्ड्स Inverse, अंदर की तरफ कर्व हो रही है तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है अंदर की तरफ कर्ब होती है तो अंदर की तरफ अगर वो कर्ब होती है तो उसको तर, उस, उस तरीके का जो स्पेरिकल मिरर है उस स्पेरिकल मिरर को अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर क्या बोलेंगे कॉनकेव मिरर कहेंगे समझ में आई ना बात क्लियर है बिल्कुल आसान सी बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ऐसे अंदर की तरफ कर्व हो ना तो वो जो मिरर है उसको अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर यानी इस पे यानील मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड से अंदर की तरफ कर्व हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन अपन कॉनकेव मिरर ऐसे ही देखो अभी लेते हैं ए, एक और देखो अब इसको मैंने हैचिंग कर दिया ये हैचिंग कर दिया तो यानी ये वाला जो पीछे ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा तो अपन ने कोटेड कर दिया या क्या कर दिया सिल्वर कर दिया और लाइट रे कहा इंसिडेंट होगी इस तरह इस तरफ तो ये अपनी क्या हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई क्या हो गई ये ये अपनी हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है है तो ये ये क्या वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है है कर्व आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स बाहर की तरफ कर्व हो रही ठीक है तो ये जो अपना मिरर होगा ये वाला जो मिरर होगा इसको बी टाइप का हो जाएगा इसको अपन क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर ये वाला जो मिरर होगा वो क्या कहलाएगा अपना कॉन्वेक्स मिरर के लाएगा ठीक है